दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे उस दिन उस ट्रेन में मौजूद हर किसी ने देखा और यह बात उन सभी को हैरानी में आज भी डाले हुए है। दोस्तों, उससे पहले जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय बजरंगबली जरूर लिख देना। दोस्तों, यह घटना घटित हुई उत्तर प्रदेश में रहने वाले महेश जी के साथ। महेश जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। सुबह उठ हनुमान जी का जाप करना उनका रोज का नियम था। इतना ही नहीं बल्कि वे साल में एक बार अपने परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को भी जाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी और 8 साल की बेटी बानी थी। एक बार किसी कारणवश महेश जी मई जून में मेहंदीपुर बालाजी ना जा पाए। दरअसल अक्सर वह इस महीने बालाजी के दर्शन को जाते थे, इसलिए उन्होंने दिसंबर का महीना बालाजी के दर्शन को चुना, क्योंकि इस समय उनके पास ऑफिस की काफी छुट्टियां भी बची थी, ट्रेन का सफर था। तो सुबह अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उस दिन मौसम काफी ठंडा था और कोहरे के कारण कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो वह इलाहाबाद जंक्शन ट्रेन से दिल्ली पहुंचे, फिर वहां से उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के लिए अजमेर शताब्दी ट्रेन पकड़ी। तभी मेहंदीपुर बालाजी से करीब 20 किलोमीटर दूर ट्रेन अचानक रुक जाती है। महेश जी जब ये देखने ट्रेन से नीचे उतरे कि आखिर ट्रेन रुकी क्यों है, तो उन्होंने जो देखा वह खुद हैरान थे, और जो ट्रेन चलाने वाले पायलट ने बताया वह सज्जन सभी चौंक गए। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं था कि जिस ट्रैक पर महेश जी की ट्रेन थी, ठीक उसी ट्रैक पर एक और ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण उनकी ओर तेजी से बढ़ी जा रही थी। परंतु ट्रैक के दोनों पायलट बताते हैं कि उन्हें कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग का कपड़ा एक पेड़ पर लिपटा सा दिखा। कोहरे में बाकी सभी चीज धुंधली दिखाई दे रही थी, परंतु वह लाल रंग की चीज काफी चमक रही थी। हमने सोचा कि हमारे ही ट्रेन विभाग का कोई कर्मचारी उस लाल रंग के कपड़े के माध्यम से ट्रेन को रुकवाना चाहता है, और हमने भी ट्रेन को रोक दिया। परंतु ट्रेन रुकने के बाद गाड़ी से उतरकर उस पेड़ के पास गए तो एक नाग जो बिल्कुल लाल रंग का था उस पेड़ की टहनी पर लिपटा हुआ था, और सामने इस ट्रैक पर एक और रेलगाड़ी जो करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर थी उसे देख महेश जी बताते हैं कि हम सभी यात्री और हमारा पायलट हैरान था, क्योंकि अगर वह लाल रंग का नाग वहां नहीं होता तो दोनों ट्रेनों के एक ट्रैक में होने के कारण आपस में टकराते और वहां एक बड़ा हादसा हो सकता था। सब ने उस नाग को भगवान का दूत समझा और धन्यवाद दिया, जो उस नाग की वजह से ही सबकी जान बच गई। महेश जी काफी खुश थे कि वे और उनके परिवार उस नाग की वजह से एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे थे। कुछ देर बाद उन्होंने गाड़ी कर ली मेहंदीपुर बालाजी के लिए, क्योंकि वहां से मेहंदीपुर बालाजी कुछ ही दूरी पर था। परंतु दोस्तों, उस दिन जो कुछ भी महेश जी के साथ हुआ वह भगवान का एक चमत्कार था। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही भगवान का कोई चमत्कार हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।